रिलेटेड भी बड़ी रिसर्च होती है। जो आजकल हम जो हमारा नेक्स्ट आज का लेक्चर जो है ये तीसरा लेक्चर है, दो लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़े इसके ऊपर, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है कोलियोप्टेरा के ऊपर, तो ये तीसरा पेज भी ऑलमोस्ट चल रहा है। तो ये तीसरा लेक्चर हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो सुपर फैमिली लैटेरोआइडिया से हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला ये भी सब ऑर्डर चल रहा है, ये मोस्टली इसके अंदर वो जो पहला सब ऑर्डर है वही एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ये एंटीने जो है वो फिलीपाम हैं। Tarsi are rarely with more than one segment with adhesive lobe. ये जो tarsi के जो segments हैं उनमें पिछली फैमिली में हमने पढ़ा था कि वो सब के नीचे लोब थे, adhesive लोब थे, मगर इसमें कोई एक आधे segment के नीचे, एक आधे tarsi का जो segments है ना, ठीक है, उनके अंदर एक आधे के नीचे कोई segment adhesive लोब मौजूद है, अदरवाइज मोस्टली में नहीं। अब्डोमिनल टर्गाइड्स हमने पढ़ा था पिछली सुपर फैमिली के अंदर, तो उसके जो अब्डोमेन की ऊपर वाली साइड है, टर्गाइड्स कहते हैं ऊपर वाली साइड को, और स्टर्नाइड कहते हैं निचली साइड को, अब्डोमेन के जो हर सेगमेंट के ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं टर्गम। तो इसी तरीके से सभी सेगमेंट के ऊपर वाले टर्गम को कलेक्टिवली कहें तो क्या कहेंगे, टर्गाइड्स। आर वीकली स्क्लेरोटाइज मीन उसकी स्किन वहां से बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती। मतलब ये है कि उसके जो प्रोमिनेंट किस्म के, वाजिया किस्म के, उसके जो फीमर्स जो होता है वो मजबूत होते हैं, वो पार्ट जो है इसमें आगे जो है एक ही सुपर फैमिली है वो है जी फैमिली इलेटेरिडी। इलेटेरिडी या इसको मोस्ट कॉमनली क्लिक बीटल भी कहते हैं। क्लिक बीटल क्या है कि ये क्लिक क्यों कहते हैं? अच्छा, ये ना गर्मियों में आप देखें, ये रात को ना बीटल आती है लाइट के ऊपर, अगर आप इसके हेड के ऊपर जो है हाथ रखें, आप उंगली रखें ना, हम छोटे होते थे तो उस वक्त ना खासकर मुझे याद है कि हमने ना रात को छोटे जो बच्चे नहीं होते ऐसे ही उसके ऊपर हाथ रखना है तो उसने पिछली तरफ से क्लिक क्लिक उसको टिक टिक करना शुरू कर देना, यानी कि फर्श के साथ पिछले बॉडी पार्ट को जोर से मारती थी जिससे टिक 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 क्लिक क्लिक होता था, तो वो है। या उसके आप पिछले हिस्से पे हाथ रख लें अब्डोमेन के ऊपर तो अपने हेड से टिक टिक करती रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लिक बीटल। ठीक है, क्लिक बीटल जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान में पाई भी जाती है, यूरोप में इसके ऊपर मैंने कहा कि बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, इसलिए इसके जो लार्वे है ना उसके लार्वे बड़े खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे गंदगी भी नहीं शो होती, तो वो जो है इसके वायर वाम, इसके लार्वों को हम क्या कहते हैं, वायर वाम, वायर की तरह नजर आते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के, इनको आम लोग खाते हैं। तो इसमें एंटीना सॉकेट्स आर क्लोज टू द आई, यानी कि जो एंटीने की सॉकेट्स हैं ना वो बिल्कुल आईज के साथ जुड़ी होती है, एक तो ये। फिमरल प्लेट ऑफ हाइंड कॉलर आर ब्रॉड, क्योंकि जो फीमर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वो जो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैं आपको अभी जो है सबसे पहले दिखा देता हूँ, इसके वो जो है गौर करें तो ये देखें जी, ये देखें जी, गौर करें, यह अब आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें जी, ये फैमिली लैटेरो आइडिया है। इसमें आप ये देखें एंटीमे, एक तो फिलीपाम एंटीमे, और दूसरा हमने कहा कि ये जो इसके टार्साई के सेगमेंट्स हैं, तो टार्साई के सेगमेंट के एक या दो सेगमेंट के नीचे ये वेंट्रल एडहेसिव लोब हैं, सारे सेगमेंट के नीचे नहीं। जो पिछली सुपर फैमिली पढ़ी थी उसमें मैंने हमने कहा था कि सभी के नीचे, जिस तरह से कि ये देखें हमने ब्रेस्टेडी फैमिली पढ़ी थी ना लास्ट में, उसमें सभी सेगमेंट के नीचे वेंट्रल एडहेसिव लोब थे, इसमें सब के नीचे नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो पिछली फैमिली में इसके जो सारे अब्डोमिनल टर्गाइड्स, यानी कि अब्डोमेन की ऊपर वाली साइड वो सारे स्क्लेरोटाइड्स थे, ये कम स्क्लेरोटाइज हैं ऐसे ही, मगर इतने उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कहने का मतलब ये। आगे हम इलेटेरिडी फैमिली से बात करें तो इसके ये आईज हैं और इसके साथ ही एंटीनल सॉकेट्स, सॉकेट मीन जहां से एंटीना निकलता है, तो वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, करीब करीब है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो फिमरल प्लेट्स जो हैं वो ब्रॉड भी है, ठीक है, और इसके अंदर टार्साई भी है, ये आपने खूबियां पढ़ ली थी, ठीक है, ये यहाँ तक जो है इसका जो है ये है। ये आपको मैं आप इंसेक्ट दिखा देता हूँ, तो इंसेक्ट दिखता कैसे है, तो उसमें से सबसे पहले आ जाए तो ये हमने पढ़ रहे थे फैमिली
डिटेल। एलेटेरिडी फैमिली, ये जो है एलेटेरिडी फैमिली, आप इसके ऊपर तस्वीरों के ऊपर आ जाएं, ये देखेंगे, ये है कि क्लिक बीटल, या आपने क्लिक बीटल देखी होगी इस तरीके से, ये समर में गर्मियों में लाइट के ऊपर रात को दो चार नजर आ जाती है। ये यूरोप में ठंडे इलाकों में काफी ज्यादा होती है, तो ये आपको वहां पे बड़ी मिलती है, यूरोप में बड़ी है, इसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है, इसको हम क्लिक बीटल कहते हैं। ये इस तरीके से ये देखें, सिलीफॉर्म एंटीने की है, लंबे सारे, बहुत लंबे तो नहीं है, ये है कि उसके थॉरेक्स के कम अज कम पूरे आ, ये हेड है, ये थॉरेक्स और ये एब्डोमेन। आप इसके यहाँ पे कहीं हाथ रखें ना, तो ये देखें टिक 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 करना शुरू कर देंगे बैक साइड पे। अगर बैक साइड पे हाथ रखें तो हेड से टिक 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 करना शुरू हो जाएगी, और इसकी आईज और एंटीने ये देखें आपस में इकट्ठे हैं, ऑलमोस्ट इधर भी देखें आईज और एंटीने तो ये इकट्ठे हैं, तो ये इसको हम क्लिक बीटल करते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों में इसमें एंटीने डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये देखें आप, ये सिर्फ रेड किस्म के एंटीने हैं, मोस्टली हैं वो फिलीफॉर्म में पाए जाते हैं, ये देखें। अब इसमें ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सिर्फ रेड किस्म के, डेंटेड किस्म के एंटीने भी हैं इस तरीके से, मगर मोस्टली फिलीफॉर्म ही होते हैं इस तरीके से, ये देखें। तो अब ये मुख्तलिफ स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंटीने हैं, आप एक एंटीना नहीं कह सकते कि ये एक एंटीना पाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के एंटीने आप इधर तो ये, मगर ओवरऑल आपको ये बीच में ये देखें हेड थोरेक्स और अब्डोमेन में एक बीच से एक गहरी सी डिप्रेशन सी नजर आएगी, और इस बीटल को आप पहचान लेंगे, ये लंबी सारी होती है, और इसके ये देखेंगे लार्वे हैं, वायरवाम कितने हसीन लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और ये जो है वायरवाम जो है ये मेज पे बड़ा अटैक करता है, मेज पे भी अटैक करता है, ये मेज का एक चैलेंज पेस्ट है, उसकी जड़ों को कुदरता है, ये मिट्टी में पाई जाती हैं, ये इसके अलावा ये खुद पाले जाते हैं, इनको ना लोग पालते हैं, इनको पालना इजी सा है, लैब के अंदर भी घरों में भी, और इसको फिर पका के खाते हैं, ठीक है। तो ये दिखने में भी इसमें से कोई ना बंदे को इसका दिल नहीं खराब होता देख के ना, जैसे तो हैं, जैसे आप कॉकरोच खाएं या मक्खियां खाएं तो वो ज्यादा गंदी चीज लगती है एज कम्पेयर टू इसके। ये इसको हम इसके लार्वों की जो टाइप है, लार्वे की इसमें कौन सी टाइप पाई जाती है, जो वायर वर्म्स, ठीक है, एलेटेरिडी फैमिली जो है इसको, क्लेक बीटल का ये लार्वा है। आगे आ जाए जी, वापस आ जाए हमारे पे जो हम देखने जा रहे थे कि हमारा अगली सुपर फैमिली क्या है, तो अगली सुपर फैमिली में हमारे जो है कैंथेराइडी फैमिली है। ये ऐसी फैमिली है जो चमकदार भी है, इसके अंदर लाइट ऑर्गन भी है, वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पांचवें सेमेस्टर में कि लाइट प्रोडक्शन में, ठीक है। और कैंथेराइडी सुपर फैमिली है, इसमें एंटीने जो है वो कहते हैं फिलीफॉर्म है, हाइंड कॉग्जा विद फिमोरल प्लेट वेरी नैरो इनकम्प्लीट और एब्सेंट, इसके अंदर जो फिमोरल प्लेट है वो काफी नैरो होती है, जो फीमर होता है वो काफी नैरो होता है, सिंपली ये कह रहे हैं। सिक्स और सेवन अब्डोमिनल स्टरनाइड्स आर विजिबल, इसके अंदर जो स्टरनाइड्स, अब आप पीछे बात आई थी टरगाइड्स की, इसमें क्या है स्टरनाइड, स्टरनाइड मीन जो निचली तरफ से अब्डोमेन के सेगमेंट जो निचली तरफ से नजर आते हैं, उसकी जो निचली साइड होती है, एक सेगमेंट की निचली साइड को हम क्या कहेंगे स्टर्नम, तो अगर दो सेगमेंट्स हैं तो उनकी निचली साइड को क्या कहेंगे स्टर्नाइड्स। तो इधर नीचे इसने लिख दिया है कि अब्डोमिनल स्टरगाइड, जो अब्डोमिनल के सेगमेंट्स की जो निचली साइड है छठा और सातवां, ये आमतौर पर आपको निचली तरफ से विजिबल नजर आएंगे। इसमें दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली है लैम्पायरिडी, लैम्पायरिडी ये क्या है, इसको कहते हैं फायरफ्लाई ग्लो वर्म, या इसे सादा लफ्जों में आप जुगनू कहते हैं, जुगनू आपने सुना होगा ना, जुगनू क्या होता है बीटल होती है, ये हमेशा याद रखें कि जुगनू एक बीटल है जिसको ग्लो वर्म भी कहते हैं, फायरफ्लाई भी कहते हैं। इसमें मैकेनिज्म कौन सा है लाइट का, तो वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसके अंदर जो है वो एक केमिकल होता है जो ऑक्सीजन एटीपी की मौजूदगी में बर्न होता है, जिससे ल्यूसीफेरन केमिकल पड़ा था कि ल्यूसीफेरन के साथ ऑक्सीजन मिलती है, एटीपीज लगते हैं तो वो बर्न होता है, और एक ल्यूसीफरेज एंजाइम की मौजूदगी में, यानी कि ल्यूसीफेरन केमिकल है जो कि ल्यूसीफरेज ऑक्सीजन और एटीपी इन तीनों चीजों की मदद से वो बर्न होता है, और उससे एक केमिकल पैदा होता है ऑक्सील्यूसीफेरन, और ऑक्सील्यूसीफेरन केमिकल जो है आपने पढ़ा था कि अनस्टेबल होता है, और वो एक फोटॉन ऑफ लाइट पैदा करता है और केमिकल खत्म, ठीक है, अनस्टेबल होता है ना, तो इसलिए जो है
ये करता है। तो ये आपने पढ़ा था कि ये क्यों करता है लाइक, तो ये आपने पढ़ा था कि एक मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि एक मेल जो इंडिविजुअल होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए पार सेक्स। इसी तरीके से कई तरह फीमेल भी करती हैं, इसमें जो ऐसी प्रीडेटरी है ना फीमेल, वो फीमेल क्या करती है कि मेल को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि प्रीडेटरी किस्म की हैं कि वो क्या करती हैं मेल को अट्रैक्ट करती हैं। अब मेल समझता है कि शायद फीमेल रेडी है सेक्स करने के लिए, वो मेल बेचारा आता है और आगे से फीमेल पकड़ के ऐसे मेल को खा जाती है। तो ये भी मैकेनिज्म पाया जाता है, इसके मुख्तलिफ मकासद हैं। बहरहाल बात यह करने की, इसमें ल्यूमिनस ऑर्गन इज यूजली प्रेजेंट इन वन सेक्स, एक सेक्स में मौजूद होता है ज्यादा तौर पर। मैंने कहा कि जो आम किस्म है ना वो मेल में होता है, और मेल किस लिए करता है, सेक्स करने के लिए, मीटिंग करके लिए वो जो है वो उसको यूज करते हैं। दूसरा क्या है, एलाइट्रा आर यूजली विद एपी प्लूरा इंटीरियरली ब्रॉड, इसकी बॉडी में एक जालर नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसकी लाइट्रा के साथ पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एपी प्लूरा, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरी फैमिली है इसमें कैंथेराइडी, ये जो है सोल्जर फ्लाई है, और इसमें क्या होता है कि इसके लार्वे प्लस ये जो सोल्जर फ्लाई बीटल है ये क्या है प्रीडेटर, आप हमेशा याद रखिएगा ये प्रीडेटर है। इसमें ल्यूमिनस ऑर्गन नहीं होता, इसमें होता है इसमें नहीं होता जो कैंथेराइडी में। और एलाइट्रा आर नैरो और विद और एपी प्लूरा, यानी कि एलाइट्रा के साथ वो फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर वो भी नहीं होता जिसको हम एपी प्लूरा कहते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आप पहले इसमें तस्वीर में देख लें, इसकी जो जो आपने मैनुअल के ऊपर बनानी है उसमें देख लें, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें जी। ये देखें जी हमारी फैमिली है, ऊपर गौर करें तो ये है जी कैंथीरो आइडिया, इसमें थ्री फॉर्म एंटीने थे, ये देखें फीमर है हमने कहा समवट नैरो है, और इसमें जो हमने कहा कि ये छठा और सातवां स्टर्नाइट्स निचली साइड है वो विजिबल है। इसके अलावा लैम्पायरेडी फैमिली की आ जाए तो लैम्पायरेडी फैमिली के अब्डोमेन के एंड के ऊपर वो जो ऑर्गन भी होता है जो कि ल्यूमिनस ऑर्गन है जो लाइट पैदा करता है वो भी होता है, प्लस ये इसका लाइट्रा है, ये जो अंदर वाली लाइन है ना ये इसका क्या है लाइट्रा, और ये बाहर वाली लाइन एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर है, क्या है एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं एपी प्लूरा। और ये एपी प्लूरा इधर साथ लिख लीजिएगा, ये शायद मैं भूल गया था लिखना फैमिली का नाम, ये थी कैंथेराइडी। कैंथेराइडी में सोल्जर बीटल होती है, इसमें ये देखें सिर्फ एलाइट्रा 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 के साथ कोई फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लूरा नहीं है, एपी प्लूरा के बगैर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरीके से पाया जाता है। ये मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ, वो इसके इंसेक्ट्स कौन से हैं, इंसेक्ट्स में आप देखें जी, ये देखें जी एपी प्लूरा की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखें लैम्पायरेडी, ये बीटल होती है, ये जुगनू होते हैं जिसको आप जुगनू कहते हैं, ठीक है, ये जुगनू है, और जुगनू का ये ब्लैक ब्लैक क्या है लाइट्रा, लाइट्रा के साथ क्या है ये फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं एपी प्लूरा। और एंटीरियरली ब्रॉड, इंटीरियरली ब्रॉड का क्या मतलब कि ये जो एपी प्लूरा आगे की तरफ थोड़ा चौड़ा होता है, ये देखिए ये पीछे देखो नैरो है और आगे की तरफ थोड़ा ब्रॉड है। इसी तरीके से इसमें देखें ये ब्लैक और ये साइडों से एपी प्लूरा नजर आ रहा है, इसको हम फायर फ्लाई ग्लो वार्म जुगनू जो भी कह लें, ये इधर थोड़ा स्पेलिंग भी गलत हो गया, आप यहाँ पे लैम्पायरेडी लैम्पायरेडी स्पेलिंग का ख्याल कर लें जो मैनुअल में लिखे हैं। एपी प्लूरा होता क्या है, द आउटर साइड ऑफ बीटल विंग्स कवर व्हेन इट इज इनफ्लेक्स्ड और टर्न डाउन सो एज टू कवर पार्शली द साइड ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये जो उसके जो साइड पे एक कवर नुमा स्ट्रक्चर होता है ये देखने से। इसी तरीके से ये जो है इस पे भी है, इसके हेड पे भी, ये इसके अब्डोमेन पे आप देख लेंगे, और इंटीरियरली ब्रॉड या आगे ये पिछली तरफ नैरो आगे ब्रॉड, ये इसके एलाइट्रा के साथ पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं एपी प्लूरा। ये भी जुगनू ही है, जुगनू की किस्में हैं सारी मुख्तलिफ किस्म, ये इसका लार्वा होता है, आप लार्वा देखेंगे दरख्तों पर होते हैं और ये इस तरीके से होते हैं, ये देखें जी लार्वे भी लाइट पैदा करते हैं बाद का, और ज़्यादातर मेल, ये देखें, और इसकी एब्डोमेन की बैक साइड के ऊपर आप रात को पकड़ दें, ये गांव में जो लोग हैं इन्होंने आपने देखा होगा ये गर्मियों में होते हैं, ठीक है, ये हमने काफ़ी
तबाहियाँ पकड़ी हैं, या गर्मियों में जब आप कहीं गांव में आपका घर हो तो आपको ये अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है। बाद काल आपके घर में भी आ जाते हैं, आप अपने लाज में सोए हुए हैं तो आपको नजर आ जाते हैं, और जब आपके घर में एक भी आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये है। तो इस तरीके से ये उड़ते फिरते हैं, और जिस जो इसके काम है क्यों करते हैं और कैसे लाइट पैदा करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये दूसरी है जी कैंसर आईडी, और कैंसर आईडी जिसको हम सोल्जर बीटल कहते हैं जो प्रीडेटर है, ये देखें ये लंबी सारी बीटल होती है, और ये मैंने देखी इसके लाइट्रा के साथ कोई फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर, कोई एपिफ्यूरा नहीं है, ये आपने पढ़ लिया। इसके साथ कोई ये मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ किस्मों में, ये फिलीफॉर्म एंटीने देख लें इसके, ये देखें ये मुख्तलिफ थोड़ी लंबी सारी बीटल होती है, ये इसका लार, और वेलवेट किस्म का होता है, यानी कि जिस तरह वेलवेट नहीं होते वेलवेट के रजाइयाँ बनी होती हैं या वेलवेट के, तो इसके वेलवेट लार्वे होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि लार्वों को भी बता सकते हैं। आगे आ जाएं जी, जो हमारे वापस आ जाएं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अगली बड़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है, वो ये भी इम्पोर्टेंट थी मगर इससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, क्यों? डर्मेस्टोआइडिया सुपर फैमिली, इसके अंदर जितने भी ज़्यादातर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं वो पेस्ट हैं, और कौन से पेस्ट हैं? स्टोर्ड ग्रीन डर्मेस्टेड बीटल, ठीक है। ये इसके एवेंजर्स भी हैं, यानी कि डेड चीज़ों को भी खाते हैं, जैसे कोई लाश पड़ी हो उसको भी खा जाएंगे, सिर्फ हड्डियाँ छोड़ देंगे, तो इस तरीके से ये स्टोर्ड ग्रेन के भी हैं। एंटीने नाट फिलीफॉर्म, इसमें एंटीने फिलीफॉर्म नहीं है, मुख्तलिफ किस्मों के आपको एंटीने नजर आएंगे। हाइंड कॉग्जा विद वन और मोर लेस डिस्टिंक्ट फिमोरल प्लेट, कि जो फिमोरल प्लेट है मगर वो इतनी वाजिया नहीं नजर आती आपको ना, और पांच अब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं इसके स्टर्नाइट्स में विजिबल है, यानी कि अब्डोमेन के पहले पांच सेगमेंट जो है निचली साइड से आपको बड़े वाजिया विजिबली नजर आएंगे। टार्साई फाइव सेगमेंटेड है, प्रोथोरिक्स इज नॉट हुड लाइक, यानी कि इसका जो प्रोथोरिक्स है वो एक हुड नुमा स्ट्रक्चर, एक कवर नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं दिखाते हैं जी। अगले इसमें एक ही फैमिली है, वो है जी डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टेड बीटल या खपरा बीटल, या आपने स्टोर्ड ग्रीन या फूड वाले पेस्ट में पढ़ा होगा। मोस्टली इनहेबिट फर्स, ये परों वगैरह में जहाँ पे ये फर्स पाए जाए वहाँ पे हाइट्स, ये खलें जो होती हैं खालें जानवरों की, वूल ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को भी खाती है, या आपके जो इंसेक्ट बॉक्स पड़े होते हैं ना उनमें आप देखें आपको ये अक्सर नजर आएंगे, ये जो पुराने इंसेक्ट पड़े हैं उनको बना के पूरा बना देती है, ठीक है। उसमें बुक लाइस भी पाई जाती हैं और ये भी पाई जाती हैं, बुक लाइस जो है उसका बिल्कुल जो है वो ये बिल्कुल उसको खा के पाउडर बना देती हैं, खाती हैं बल्कि उसको खा लेती हैं, ये आपको ना नजर आएंगे। ये भी एक इंसेक्टरी का पेस्ट है, इंसेक्टरी का भी आप पेस्ट कह लें, ठीक है। तो ये इंसेक्ट में ये इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, 26 तक ना, 8 तक बंद है, बच्चे एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो अच्छा जी, अब इसमें है नेक्स्ट जो है डर्मेस्टोआइडिया फैमिली, ये मैंने आपको बताया। इसमें सबसे पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लें, करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो उसमें से सबसे पहले इसका एंटीना है, एंटीने में मैंने कहा कि ये कैपिटेट टाइप के भी एंटीने पाए जाते हैं, ऊपर वाले सेगमेंट थोड़े ब्रॉड हैं, और भी कई तरह के एंटीने पाए जाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इसमें एक ही एंटीने पाए जाते हैं, और भी एंटीने पाए जाएंगे। इसकी जो फीमर है वो डिस्टिंक्ट है, कुछ में लेस डिस्टिंक्ट है, इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं है। टार्साई की बात करें तो टार्साई जो हैं पांच सेगमेंटेड हैं, और इसके अलावा थॉरेक्स की बात करें, प्रोथॉरेक्स की, तो ये सीधा सही है, फ्लैट सही है, कोई इसमें कोई हुड नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, विदाउट हुड लिखा हुआ है, नॉट हुड लाइक, ठीक है। इसमें पहले अब्डोमिनल जो स्टर्नाइट्स हैं, जो निचली साइड्स हैं, वो आपको क्लियरली ऑलमोस्ट नजर आते हैं, जो अब्डोमिन के निचले साइड्स हैं। अभी आप इंसेक्ट देख लें, इसमें इंसेक्ट कौन से हैं, तो उसमें खपरा बीटल में आप ये गौर करें तो आपको ये डर्मेस्टेड बीटल और कार्पेट बीटल भी आती है इसके अंदर, कार्पेट बीटल भी, डर्मेस्टेड बीटल भी,
ये आप देखेंगे, आपको बीटल है, ये इसका लार्वा है। इस तरीके से इसके लार्वे के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, हेयर होते हैं, एरी होते हैं। इस तरह खपरा बीटल देखें तो ये कार्पेट बीटल के नुकसान आते हैं, आपके कपड़े वगैरह को बर्बाद कर देती है। ये जर्सियां वगैरह अगर तो आपके घर में इंफेस्टेशन पाई जाती है, तो ये देखें जी, ये भी कार्पेट बीटल है। ये मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ जगह पे आपको नजर आती है। ये लार्डर्ड बीटल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ बीटल आपको नजर आ रही हैं। इनके लार्वे देखें तो आपके लार्वों को, आपके जो लार्वे के ऊपर छोटे छोटे लार्वे, मन्यूट से लार्वे, और ये जो हैं आपको उनके ऊपर हेरी लार्वे नजर आएंगे। इसी तरीके से खपरा बीटल, ये देखें, ये भी एक बीटल है, ये इसके एवेंजर है। ये देखें, लाशों को साफ करने के लिए ये बीटल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है, स्केलेटन्स को क्लियर करने के लिए। ये देखें जी, ये भी एक बीटल है, ये देखें उसके ऊपर हेयर्स आपको हर सेगमेंट के ऊपर बे इस्तेमाल से हेयर नजर आते हैं। इसी तरीके से ये है खपरा बीटल। खपरा बीटल ये क्या है, ये प्राइमरी दो तरह के इंसेक्ट होते हैं ना स्टोर्ड ग्रेन में, एक होते हैं प्राइमरी पेस्ट और एक होते हैं सेकेंडरी पेस्ट। प्राइमरी पेस्ट क्या है कि ये जो है सबूते दाने को, मजबूत दाना जो है, पूरा दाना, साबुत दाने को तोड़ के तो खाते हैं, उसको डैमेज करते हैं, और ये गंदम में ज्यादातर होता है या दूसरे भी कई सारे जैसे चीजों में होता है, मेज वगैरह में ज्यादा गंदम में होते हैं। तो इस तरीके से लाइट ब्राउन कलर के लार्वे नजर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये सीवियर पेस्ट है, और सीवियर केसेस में 70-90% तक भी अटैक कर सकते हैं अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो। इस तरीके से ये सबूते दानों को खाते हैं, मगर जो दूसरे पेस्ट होते हैं जैसे रेड फ्लोर बीटल, वो सबूते दानों को नहीं खा सकती, वो सेकेंडरी पेस्ट उसको हम कहते हैं, जिसके हमने आपने पढ़ा होगा। तो इसके ये देखें तो इसके ऊपर भी लाइट्रा के ऊपर भी हेयर हैं, और इसके जो निम्फ हैं ये लाइट ब्राउन से कलर के ऑफ वाइट कलर में नजर आते हैं, और इनके ऊपर भी हेयर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आ जाएं आगे अपनी जो नेक्स्ट सब ऑर्डर के अंदर, वो है जी हमारा बॉस ट्राइकिडी। हमारा नेक्स्ट जो है बॉस ट्राइकोआइडिया, ठीक है। ये इसके अंदर दो तीन किस्म की फैमिलीज आएंगे, वो हम फैमिलीज पढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहले इसमें कहता है कि जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोथोरेक्स एड फुड लाइक, जिसके अंदर जो प्रोथोरेक्स है वो थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है, हम्प नुमा स्ट्रक्चर है, हुड नुमा स्ट्रक्चर है, ऑसिलाई इसके अंदर एबसेंट होती है। इसके अंदर तीन फैमिलीज आती हैं, उसमें से नोबियाइडी फैमिली है, इसमें ड्रग स्टोर बीटल, डेथ वॉच बीटल पाई जाती हैं। इसमें कहते हैं कि जो नोबियाइडी के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एंटीने जो है वो 11 सेगमेंटेड है, रेयरली क्लब में, कुछ स्पीशी में आपको ऊपर क्लब नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आता है। हाइंड कॉग्जा आर कंटिगुअस, यानी कि जो मेटा लेग है ना, मेटा लेग पहली होती है, प्रो लेग, मीजो लेग, मेटा लेग, मेटा लेग के जो सबसे पहला सेगमेंट होता है लेग्स का, आपने पढ़े कि पांच सेगमेंट होते हैं, कॉग्जा, ट्रोगेंटर, फीमर, टीबिया, टार्स। तो इसमें ये जो कॉग्जा हैं, दोनों कॉग्जा जो मेटा लेग के, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंटिगुअस, ठीक है। ये ज्यादातर आपके स्टोरों वगैरह में, ड्रग के जैसे ये मेडिकल स्टोर में पाई जाती है, घरों में पाई जाती है। पेंट्री पेस्ट है, ये पेंट्री पेस्ट कह लें या ड्रग स्टोर पेस्ट कह लें, ये इस तरह के पेस्ट होते हैं। दूसरी फैमिली है बॉस ट्राइकिडी। बॉस ट्राइकिडी में ट्विग बोरर है, ठीक है। ये इसके अंदर भी एंटीने जो है वो 11 सेगमेंटेड से बाग का कम होते हैं आमतौर पर, और इसमें क्लब नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। हाइंड कॉग्जा इसमें भी आपस में जुड़े हुए, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्विग बोरर, ये यानी कि ये जंगलों में दरख्तों के ज्यादातर पेस्ट हैं। और फैमिली लिक्टिडी, लिक्टिडी इसको हम क्या कहते हैं, पाउडर पोस्ट बीटल, क्या कहते हैं, पाउडर पोस्ट बीटल, जिसको आप पंजाबी में कौन क्या कहते हैं, कौन गौण या कौन भी आप कई सारे पंजाबी में कहते हैं। आप देखें लकड़ी को पाउडर बना रहा होता है अक्सर आपकी ना, आप देखें आपने बाहर टाली की लकड़, खासकर जो पक्की लकड़ है ना, टाली की लकड़ फेंकी हुई हो बाहर बालन के तौर पे, या आपने घर में चीर के रखी हुई है, तो वो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उसका ना पाउडर बनना शुरू हो जाता है, कि सुराख से नजर आते हैं और सुराख के बाहर आपको पाउडर पाउडर गिरा हुआ नजर आता है येलो कलर का। तो कहना आप सिंपल कह देते हैं, ये घरों में लोग कह देते हैं जी
कौन लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होती है, पाउडर होस्ट बीटल होती है, उसके अंदर उसके लार्वे होते हैं और वो फीड कर रहे होते हैं और उसका पाउडर बना रहे होते हैं। ये पक्की लकड़ी, इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में लोग जो है फर्नीचर या जो है ये यूज करते हैं तो उसमें पक्की कच्ची लकड़ी यूज करते हैं, सनोबर देवदार पटकल की वो महंगी लकड़ मिलती है, मगर यह है कि उसको ये खा नहीं सकते, उसमें कई सारे केमिकल होते हैं। तो इसको भी अगर आपने इसका बाले शाले बनाने हो तो फिर आप देखें इसको टर्माइट वाली और कई सारी दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। और अक्सर लोग टाली के या ऐसी पक्की लकड़ की बाले या फर्नीचर यूज ही नहीं करते, क्यों, उन्हें पता है उन्हें कौन लग जाना है, टर्माइट लग जाएंगी तो ये मसला होगा। तो उसमें हाइंड कॉकरोच जो होते हैं, जो मेटल एग के कॉकरोच हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, सेपरेट होते हैं। ये मैं आपको तस्वीर से एक दफ़ा दिखा दूँ, फिर आपको उसकी जो इंसेक्ट दिखा देता हूँ। तो उसमें से जी सबसे पहले आप देखें जो हमारी सुपर फैमिली थी, वो स्ट्राइको आइडिया, इसमें कहा कि हमने जो हेड है, जो थोरेक्स है, थोड़ा सा उभरा हुआ आपको फूड नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है इसके अंदर, और इसके हेड पे ऑक्सीडाइज भी, सिंपल आइज भी नहीं होती, ठीक है। उसमें से हमने सबसे पहली फैमिली पढ़ी है अनोबी आईडी, इसमें ये देखेंगे इसमें 11 सेगमेंटेड एंटीनी है और रेयरली क्लब, कुछ में ये क्लब नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। हाइंड कॉक्सा ये देखें जो मेटल लग के कॉक्सा हैं, वापस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाएं बोस्ट ट्राइकेडी में, तो इसमें भी एंटीने आमतौर पर 11 सेगमेंटेड से कम है और क्लब हैं, ठीक है। इसमें भी जो कॉक्सा हैं हाइंड लेग के, जो कॉक्सा पार्ट है, जो पहला पार्ट होता है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, कंटिगुअस हैं, और ये जो 5 सेगमेंटेड इसके वो टार्साई भी होते हैं। लिक्टे आईडी पाउडर पोस्ट बीटल, इसमें भी क्लब शेप्ड एंटीने होते हैं, एंटीने आमतौर पर 11 सेगमेंट से कम ही होते हैं, ये वाले सेगमेंट टोटल, ठीक है। और इसमें जो हाइंड कॉक्सा क्या है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये सेपरेट है, ये आपने ख्याल करना है। ये आप अपने मैनुअल पे भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब आप इसको, मैं आपको इसकी वो इसका डैमेज दिखा देता हूँ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बीटल है, यानी कि बड़ा डैमेजिंग करती हैं। तो ये देखें जी, ड्रग स्टोर बीटल, ये छोटी सी बीटल है और आप इसका नुकसान देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका देखें, ये थोरेक्स जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, या अगर इसके माउथ से देखें तो फिर भी आपको उभरा हुआ नजर। ये ड्रग स्टोर बीटल है, ये पेंट्री पेस्ट है, ये जहाँ पे दवाइयाँ मेडिसन मेडिकल स्टोर में पाया जाता है, बेकरीज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखें आपके ये जो केक रस और ये चीज़ें जो हैं, ये ब्रीक सी बीटल है, ये बहुत बड़ी बीटल नहीं है, ये तस्वीर में सिर्फ जूम करके दिखाई हुई है। और हेड है, ये देखें हेड है, तो हेड के ऊपर जैसे कवर नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, हुड नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हुड लाइक स्ट्रक्चर भी है वो, इसका जो प्रोथोरेक्स है पाया जाता है हेड पे उस तरीके से, ये आप देखेंगे। और चीज़ बनी हो तो उसको ये फीड करते हैं। ये देखें जी, ये कई सारी ये लकड़ी है, लकड़ी पे भी खाता है, इसको लकड़ी पे भी फीड करता है। ये एक और चीज़ है, पता नहीं क्या है, ये भी फूड लग रहा है मुझे, फूड पे ये करता है। तो इसमें एक ड्रग स्टोर बीटल भी होती है, सिगरेट बीटल भी होती है, वो भी इसी से है, ये इसी फैमिली से दोनों बिलोंग करती हैं। इनकी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन लिखी हुई है, ये इसका लार्वा देखें प्योर वाइट है और इसमें हेयर ज़्यादा हैं, ये जो सिगरेट बीटल में, अब ये इसके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया है। होती ये दोनों सिगरेट बीटल, सिगरेट बीटल क्या करती है, ये टोबैको बीटल या सिगरेट बीटल, अब ये देखें है उसी तरह की बीटल, ये देखें, मगर इसके हेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं उसकी नस्बत, ड्रग स्टोर बीटल की नस्बत है। ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है, आपके ये मैनुअल पर नहीं लिखा हुआ मगर यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये क्या करती है, ये देखें, ये सिगरेट को करती है, सिगरेट बीटल, सिगरेट ये सिगार है, सिगार का देखें क्या किया है, कंज्यूमर बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिगरेट पड़े हों काफ़ी पुराने, उनको भी ख़राब कर देती है। और ये डेथ वॉच बीटल है, इस तरीके से ये भी, ये देखें लकड़ी का ऐसे लकड़ी को बर्बाद कर दिया, ये लकड़ी को ख़राब कर दिया, तो ये भी है, ये इसमें डेथ वार्ड बीटल कैंटीन है, कुछ में तो ऐसे हैं, कुछ में ये देखें ये रेड किस्म के भी हैं। और ये देखें ये इसका डैमेज, ये लकड़ी का डैमेज, ये डेथ वार्ड बीटल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये भी डेथ वार्ड बीटल है, ये है जी बॉस ट्राइकिडी, जो मैंने कहा इसको टेविक बोरर, आगर बीटल, फॉल्स पाउडर पोस्ट बीटल और
ऑल पाउडर पोस्टविटल भी कहते हैं, ये भी दरख्तों के ज्यादातर पेस्ट और एंटीने आमतौर पर क्लब्ड होते हैं एट सेंड आप देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी लंबी बीटल होती है और क्लब्ड एंटीने हैं, और ये आप इसमें भी फुट नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसे कि दूसरों में, मगर ये उससे काफी लंबी सारे बीटल है। ठीक है, आपको इसके सारे पार्ट अलग अलग नजर आएंगे क्लब एंटीने। और लिक्टियाइडी ये देखेंगे, ये पीले रंग का जो पाउडर बनाती है ऑफ व्हाइट कलर में आपका जो पाउडर नजर आता है वो लिक्टियाइडी, जिसको आप कॉर्न भी कहते हैं, ये पाउडर पोस्टविटल है। ये भी देखें, इसमें भी क्लब एंटीने होते हैं, मगर एंटीने हमने पढ़ा है कि आमतौर पर 11 सेगमेंट से कम होते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके का पीला पाउडर बन जाता है। ये पाउडर दिखा के साथ सिक्का तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो पाउडर निकलता है ना जिसमें से, वो पाउडर इसकी निशानी। ये देखें इस तरीके से वाइट पाउडर सा बनता है और ये इसका लार्वा अंदर वो पाउडर बना रहा होता है, खा रहा होता है और पाउडर बना रहा होता है। ये फैमिली लिक्टियाइडी और फैमिली अनोबियाइडी। तो अनोबियाइडी का और इसका थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है। ये देखें इसमें फुट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कम प्रोमिनेंट है। ये ज्यादा लंबी है, ये ज्यादा थोड़ी गोल सी है, ये देखें बीटल्स में ना। और एंटीने में आप ये अनोबी आईडी के एंटीने देखें तो ये क्लब्ड नहीं है इतने ना, सिर्फ वो एंड वाले तीन सेगमेंट थोड़े बड़े ज्यादा है। और इसमें आप देखें लिक्टी आईडी फैमिली की बीटल्स का डिफरेंस, तो इसमें ये जो है एंटीने क्लब्ड है, आपको बड़े प्रोमिनेंट किस्म के क्लब नजर आते हैं। तो आपने इनको पहचानना हो तो ये आप डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। अगला हमारा जो सुपर फैमिली आती है वो हम आपको कह लेंगे कि कौन सी है, वो है जी क्राइसोमिलिडी। क्राइसोमिलिडी फैमिली है और यही आज हमने लास्ट पढ़नी है, इसके बाद अगला फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है क्राइसोमिलिडी फैमिली जो है, सबसे पहले सुपर फैमिली पढ़ने, इसमें ऑसिलाई भी मौजूद है। हेड इज नॉट रोस्ट्रेट, रोस्ट्रेट हेड नहीं होता इसमें। आगे में चल के आपको बताता हूँ कि वो रोस्ट्रेट हेड होता क्या है। लॉस्ट्रेट हेड मीन कि जिसमें आगे बीक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए, जैसे वीवल नहीं होती, वीवल में एक लंबा सारा आगे वो नॉस, उसका नाक लंबा सारा नाक होता है, वो उस तरह पाया। गुलर सुचर ये कौन सी है, ये इसकी नेक को गुलर पार्ट को बुकाया जीने से सेपरेट करके उसको हम गुलर सुचर कहते हैं। एंटीने विदाउट क्लब और नॉट रिसीव्ड इन ए ग्रूव, तो एक एंटीने क्लब के बगैर होते हैं और वो ग्रूव में भी नहीं होते। तो इसके अंदर तीन फैमिलीज पाई जाती हैं, उसमें सबसे पहली सीरम बाइसी फैमिली है, उसमें से एंटीने जो हैं वो आमतौर पर 2/3 एज लॉन्ग एज द होल बॉडी, कि जितनी उसकी बॉडी के कम अज कम इसकी लंबाई जो है एंटीने की वो बॉडी के 2/3 के मुताबिक, यानी कि 2/3 हिस्से के बराबर होगी, या बाद का ये बॉडी कितने या बॉडी से भी लंबे एंटीने होते हैं। इसको हम लॉन्ग और वुड बोरिंग बीटल, उस दिन पता नहीं किसी बच्चे ने एक बीटल शेयर की थी तो मैंने आपको लिख के भेजा था लॉन्ग और बीटल, तो किसी बच्चे ने टिबिया में इसमें दो स्पर्स होते हैं कि ये टिबिया के एंड के ऊपर भी वो क्लॉज नुमा स्ट्रक्चर होते हैं और क्लॉज इसमें ऑलमोस्ट सिंपल होते हैं, यानी कि एक आधा बना होता है बस, वो आगे क्लॉज है या दो नहीं होते। ब्रूकिडी फैमिली में क्या होता है कि एंटीने इसमें शॉर्टर होते हैं और क्लॉज जो है वो आपको ऑफन स्प्लिट, स्प्लिट मीन कि वो जो टार्सल के एंड पे दो आपको क्लॉज नजर आते हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। क्राइसोमिलिडी ये लीफ बीटल, पोटैटो बीटल या रेड पंपकिन बीटल आपने कलेक्ट की हुई, ये पाई जाती है, ये सब्जियों वगैरह के ऊपर पाई जाती है। तो इसमें एंटीने फिलीफॉर्म और लॉन्ग होते हैं, तो इसमें टार्साई 4 सेगमेंटेड होते हैं, मगर जो चौथा सेगमेंट होता है ना, तीसरा सेगमेंट, वो एक लार्ज किडनी नुमा पैड बनाते हैं, तो उससे आपको उसकी क्लियरली पहचान हो जाएगी। तो ये तीन फैमिली हैं, ये तीन फैमिली मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। जैसे ही ये क्लास बंद हुई तो फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास को अटैच करेंगे, इसलिए भाग नहीं जाना आपने, पर हल ये कि ये लास्ट क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएं जी 12 बल्कि ये क्लास खत्म होने वाली भी है और ये हमारा लास्ट ही सुपर फैमिली थी, अब इससे आगे हमने नहीं पढ़ना। अच्छा जी, आप इससे पहले सबसे पहले इसकी तस्वीरें देख लें, तस्वीरों में आप देखें क्राइसोमिलिडी नहीं, इससे पहले आप आ जाएं तो ये हमने पढ़ा था अभी बोस्ट्राइकिडी, बोस्ट्राइलिक्टियाइडी, क्राइसोमिलिडो आइडिया। इसमें एंटीने देखें कि सबसे पहले हेड में ऑसिलाइज भी मौजूद हैं, दूसरा इसका हेड जो है वो इस तरीके से बीक नुमा नहीं होता,
ये रोस्ट्रम जो है ये मैंने कहा कि रीवन में ऐसा होता है, अगर इसमें ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो इसके जो सुपर फैमिली की मेन खूबी है, इसमें सबसे पहली फैमिली जो है वो मैंने कहा कि एंटीने सिक्सली फॉर्म या सिर्रेट एंटीने होते हैं और वो क्लब के बगैर होते हैं और वो कम से कम उसकी लंबाई बॉडी के 2/3 हिस्से के बराबर होते हैं। दूसरा ये मैंने कहा कि इसके जो टिबिया के एंड के ऊपर भी ये देखिए, ये टिबिया है ना, टिबिया के एंड पे ये मजीद 2 स्पर्व पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो फाइव सेगमेंटेड इसका टार्सल और टार्सल के एंड पे एक आधा सिंपल ही किस्म का ये क्लॉज पाया जाता है, इसको क्लॉज कहते हैं। जो टिबिया के एंड पे होते हैं इसको हम स्पर्व कहते हैं। दूसरी फैमिली हमारी ब्रूकिडी, ब्रूकिडी फैमिली में ये देखें कि इसमें क्लब्ड सिरेट दोनों तरह के एंटीने पाए जाते हैं, क्लब्ड भी होते हैं कुछ स्पीशी में, कुछ में ऐसे सिरेट किस्म के पाए जाते हैं। और इसमें ये देखें टार्सल के एंड पे 2 क्लॉज हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट क्लॉज, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा क्राइसोमिलिडी फैमिली में इसमें एंटीने जो हैं फिलीफॉर्म होते हैं और काफ़ी लंबे सारे होते हैं, ठीक है। और इसमें टार्सल मैंने कहा कि ये 4 सेगमेंटेड टार्सल होते हैं, मगर इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा सेगमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा और किडनी शेप होता है, ये थोड़ा हार्ट शेप बना हुआ है, थोड़ा किडनी शेप बना लें, मैंगो की तरह का उस तरह का आप बना लें तो ये किडनी शेप होता है और ये बड़ा वाजिया नजर आता है। तो ये इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ये इसमें इंसेक्ट कौन कौन से हैं, वो इंसेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हेड है, ये मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम हेड की बात करें तो रोस्ट्रेट हेड, इस तरीके से हेड ये वीवल के अंदर जिनमें एक लंबा सारा सनआउट होता है, जो माउथ है एक लंबा सारा माउथ की फार्म में कहते हैं, इस लंबे सारे माउथ पार्ट को हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम। इसके अंदर रोस्ट्रम नहीं होता, ये जो सुपर फैमिली हमने पढ़ा ना, इसके अंदर कोई भी फैमिली के अंदर ऐसा जो है माउथ पार्ट नहीं पाए जाते। दूसरा हमने पढ़ा था गुलर सूचर, तो ये गुलर सूचर ये गुले पार्ट को ना, ये गुला है जो इसके माउथ के पार्ट, माउथ का निचली साइड, माउथ के एक ऊपर वाली साइड होती है जो आपने पढ़ा था प्रॉन्स, और इसकी जो लेटरल साइड थी वो क्या थी, जीना। और अब माउथ की निचली साइड, जैसे आपके माउथ की निचली साइड है, उसको हम पार्ट को क्या कहते हैं, गुला। और गुले के पीछे ये ऑक्सीपिटल फोरामेन है, ये सुराख होता है जिससे हेड जो है थोरेक्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम थोरेक्स से हेड में जा रहा होता है। इसके साथ ये वाली जो सूचर नजर आ रही है जो गुले को जीने से सेपरेट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, गुलर सूचर। ये गुलर सूचर की ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये मैं आपको फाइल सेंड भी किया है, ये दोबारा भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले फैमिली थी सिरम्बाइसिडी लॉन्गीकॉर्न या लॉन्ग हॉर्न बीटल, ये इस तरह की बीटल होते हैं। एक बच्चे ने शेयर की थी अपनी आप में से या सातवें वालों में से, वो कह रहा था कि नहीं और बीटल है। तो ये देखें इसमें एंटीने जो हैं और इसकी बॉडी जो है लंबा सारा, मगर इसके एंटीने ये देखें बॉडी से भी लंबे, अगर कम से कम भी हैं तो बॉडी का 2/3 लाजमी होगी, जैसे इस बीटल में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ कलर की, ये इस तरह का इसका लार्वा होता है और ये इसकी बीटल है, लंबी सारी बीटल होती है। ये फिग बोरर भी पाया जाता है, फिग बोरर ना, फिग जो अंजीर के बूटे के ऊपर ना पाया जाता है, ये इसका भी पेस्ट है, ठीक है। ये कई सारे इसके पेस्ट भी हैं। ये क्लास ख़त्म होने वाली है, ये मैं दोबारा अटैच करता हूँ। ये देखें सिरेट एंटीने भी और पीछे फिलीफॉर्म एंटीने भी, ये ब्रूकिडी फैमिली है, दूसरी फैमिली जो है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा क्लास को अटैच करता हूँ, तो आप दोबारा